राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरा सुबह की शुरुआत मेरी हो गई है और ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी कि आज मैं बेडशीट थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ ताकि बहुत साफ़ हो जाए। थोड़ा रक्षाबंधन भी आने वाला है तो मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ और मैं वही मोटे कंघी से अपने गद्दों को झाड़ रही हूँ तो उसे बहुत अच्छे से धूल निकल जाता है। और उसके बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। मेरी दूध लेने की बारी। दूध वाले भैया आ गए और मैं दूध ले रही हूँ, गाय का दूध लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह दे जाते हैं और दूध पहुँचा जाते हैं। सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मैं जा भी नहीं पाती हूँ। और मैंने सोचा कि किचन का पर्दा मैं साफ कर दूँ, तो किचन का पर्दा खोल करके मैं निकाल रही हूँ और तेल वेल से गंदा हो जाता है तो मैं उसको धोने के लिए डाल दी हूँ। और सब भी कपड़े हैं, नहा धोवा के मैं सारे कपड़े जितने मेरे थे सब घर के थे, बेडशीट वगैरह भी थे, तकिया भी थे, तो सारे मैं धोने के लिए डाल दे रही हूँ। और कुछ धुला भी गए हैं और फिर से वापस मैं धोने डाल दूँगी। और जो कपड़ा धुला गया उसको मैं डाल दे रही हूँ और जो पहले से डाली हुई थी वो सूख चुका था तो मैं उसको उतार करके रख दे रही हूँ, धूप में डाल दूँगी तो कपड़े अच्छे से थोड़ा सा सूख भी जाते हैं। नहीं तो बारिश आ जाता है कभी कभी तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं बढ़िया से। और बाथरूम में बाल्टी था तो बाथरूम से बाल्टी निकाल करके लाएं और उसको सोचे कि धो धा के उसको भर देते हैं पानी उसमें, तो भर के नहीं रखेंगे तो पानी ख़त्म भी हो जाता है, तो कभी कभी ख़त्म हो जाता है, कभी नहीं भी ख़त्म होता है। तो इसीलिए दो चार बाल्टी भर करके रख देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो कल। और क्या, तो वही बाल्टी और मग सब धो धा के थोड़ा सा धूप दिखा दे रही हूँ। ये बाथरूम का बाल्टी है तो बाथरूम का बाल्टी ही ला के बाहर धो दे रही हूँ, इसलिए कि पानी चल रहा है पाइप में तो इसीलिए बाहर ही ला करके बाल्टी को धो दे रही हूँ। और थोड़ा धूप में रख दूंगी तो थोड़ा बाल्टी भी साफ हो जाता है तो अच्छा रहता है, धूप में फिर बाथरूम ले जाके रख देंगे। और अभी पानी वानी गिरा रहेगा तो सारा झाड़ू से बाहर दे रहे हैं ताकि कोई फिसले ना। मेरी मम्मी का पैर में तो दर्द रहता है, ये तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो अभी साफ उफ कर देंगे तो ठीक रहेगा। और अभी तक कचरा वाला भी नहीं आ रहा था तो मैं अभी सोच ही रही थी, तभी तक कचरा वाला सीटी मारा और आया तो फिर मैं उसको बोली कि कचरा वहाँ से ले लो, तो कचरा ले करके अब निकल गया ये तो अपना रख दिया। बहुत लेट कर देता है कभी कभी आने में। और शाम हो गया है तो राखी भी कल है तो मैं मिठाई लेने के आ रही, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ लग रहा है कि बाप रे बाप आज कैसा भी मिठाई होगा सभी ले लेंगे। तो मैं मिठाई दुकान में मिठाई खरीद देख रही हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं, लेके मैं चली आई। और राखी खरीदना था तो राखी की दुकान पर मैं देख रही हूँ कि कौन सा मेरा बेटा पसंद कर रहा है कि मैं अपनी पसंद की राखी लूँगा, तो भाई ले लो।
तो मैं देख रही थी कि राखी देखो इधर से आ करके, पसंद जो आएगा सो ले लेंगे, तो बच्चा है तो उसको पसंद आ रहा था कार्टून वाला राखी, तो जेट फाइटर, तो पता नहीं छोटा भी जो उसको पसंद आएगा सो राखी ले लेंगे। और अभी राखी इतने सुंदर सुंदर हैं कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ वो तो डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। आजकल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत राखी भी तो मिलने लगे हैं, बहुत सुंदर है। और देखिए कितना मार्केट में भीड़ है। सुबह सुबह सब तैयार हो गया, दोनों राखी बांधना है एक दूसरे को। तो ये पर्व तो एक ऐसा पर्व है जो हक से बहने मांगती हैं और भाई भी बहुत प्यार से गिफ्ट करते हैं, जो जिसको जितना होता है वो गिफ्ट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा शगुन होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो यही मानना है कि ये पर्व में जो नोकझोंक रहता है बड़ा प्यारा सा नोकझोंक रहता है। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मैं आज का ब्लॉग इतना ही, और हैप्पी रक्षाबंधन सभी यूट्यूब फैमिली को। जब भी मैं याद करूँ तो दौड़ा चलाता है।